Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। सऊदी अरब को चट्टान की तरह मजबूत करेगा US, हुतियों को रोकने के लिए बना क्या प्लान। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का एक वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल, जिसमें वह थाने के अंदर पुलिस अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम फिर आया जेल से बाहर, 21 दिन की मिली फरलो। कोकनी समुदाय के लिए कहे अपशब्द भड़के बीजेपी नेता ने दी पाकिस्तान भेजने की धमकी, मुनव्वर फारूकी को मांगनी पड़ी माफी। यस बैंक को लेकर आई बड़ी खबर, हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में ये जापानी बैंक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को जोर शोर से मनाया जाना है स्वतंत्रता दिवस, जिसके लिए प्रशासन, पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसियां तक पूरी तरह से जुटी तैयारी में। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस, सीमेंट की होगी DNA मैपिंग। 3 डोर के बाद अब महिंद्रा की नई 5 दरवाजों वाली थार ग्राहकों के लिए लॉन्च होने वाली है। महाराष्ट्र में डिप्टी CM अजित पवार की जान को खतरा, खुफिया विभाग अलर्ट, महिलाओं की भीड़ से बचने की सलाह। VHP नेता विकास बग्गा हत्याकांड का वंचित संदिग्ध गिरफ्तार, 4 महीने बाद पुलिस को मिली सफलता। महाराष्ट्र में दाढ़ी के चलते सस्पेंड हुआ मुस्लिम कांस्टेबल, बहाली होगी या नहीं सुप्रीम कोर्ट करेगा तय। ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत बुढ़े, अब लटका दे अपनी टोपी, मस्क का पुराना ट्वीट वायरल। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव, बीजेपी की साख का सवाल, इस चुनाव से ही तय होगा आगे का रोड मैप। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर विवाद, आप और प्रशासन में तकरार। CBI गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई करेगी SC। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को SC से बड़ी राहत, बंद हुआ पतंजलि विज्ञापन वाला अवमानना केस। कोलकाता केस को लेकर देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल। IMA डेलीगेशन करेगा स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात, रेप मर्डर मामले में एक्शन की होगी मांग। 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाएगा बांग्लादेश, राजनीतिक दलों ने उठाई ये मांग। JSW स्टील ने खरीदी ऑस्ट्रेलिया की बड़ी कंपनी, अफ्रीका में पहले ही गाड़ चुकी है झंडा। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।